तो चाय पर चर्चा आज होली के रंगों से भरपूर रहने वाली है। यहाँ भी गुलाल अबीर लेकर आई है और इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन होली के एक ऐसा त्यौहार बता दें जिसमें रंग है, राग है, जोश है, मस्ती है, मतलब चारों तरफ हर्षोल्लास है। वैसे रंगों के इस त्यौहार की धार्मिक और पारंपरिक जड़ें भी बेहद गहरी हैं। कैसी हैं आदिति बताएंगे। रंगों की होली से एक दिन पहले विधि विधान से होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन प्रतीक है तमाम नकारात्मकता के भस्म होने का और गुड न्यूज का तो मकसद ही है पॉजिटिविटी फैलाना। तो शुरुआत होली के इस पवित्र रंग से करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं होलिका दहन की कहानी और बताते हैं इसके पौराणिक महत्व के बारे में। होली का नाम सुनते ही बहुत सारे रंग आंखों के सामने चटक हो जाते हैं, जिसमें खुशियां ही खुशियां होती हैं। होली का त्योहार ही अपने आप में प्यार और सौहार्द की निशानी है। होली के रंगों में छुपी होती है मोहब्बत और अमन की मिसाल। देखा जाए तो होली तो असल में होलिका दहन का उत्सव है। ये त्योहार भगवान के प्रति आस्था को मजबूत बनाने और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। आइए आपको होली से जुड़ी मान्यता के बारे में बताते हैं। हिरण्यकश्यपु नाम के दानव के पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु के भक्त थे। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद को मारने की कई कोशिश की। हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद को मारने के लिए बहन होलिका का सहारा लिया। होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला था। होलिका प्रह्लाद को लेकर आग में बैठ गई थी। श्री विष्णु ने प्रह्लाद की रक्षा की और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन मनाया जाने लगा। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसको कहते हैं नववर्ष को संवत्सर, संवत कहते हैं। इसके आगमन के पहले पुराने साल को, पुराने संवत्सर को विदाई दी जाती है और पुराने साल को विदा करने के लिए, पुराने साल को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। पुरातन कथाओं की माने तो होलिका दहन की कथा दरअसल बुराई पर अच्छाई की जीत की एक कथा है। हर साल खास मुहूर्त पर होलिका दहन का सांकेतिक कार्यक्रम किया जाता है, जो लोगों में विश्वास जगाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन की प्रक्रिया होती क्या है। होलिका दहन की प्रक्रिया माघ पूर्णिमा से शुरू हो जाती है। गुलर वृक्ष की टहनी को किसी खुली जगह पर रखा जाता है। इसे होली का डंडा गाड़ना भी कहते हैं। इसके बाद लकड़ियां वगैरह इसके इर्द गिर्द इकट्ठा की जाती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका की पूजा होती है। होलिका दहन के दौरान गड़े हुए डंडे को बाहर निकालते हैं। फिर इस डंडे को तालाब या नदी में प्रवाहित किया जाता है। इस डंडे को प्रह्लाद का रूप मानकर उसकी रक्षा की जाती है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मन की आपने जला लिया, इसको जलाते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को और निश्चित मुहूर्त में जलाते हैं। आम तौर पर संध्या काल का मुहूर्त होता है जब इसको जलाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, छेद वाले गोबर के उपले डालते हैं, वो भी जलाते हैं। गेहूं की नई बालियां जलाते हैं और उबटन, शरीर से निकला हुआ उबटन भी जलाते हैं। होलिका दहन एक मिसाल है, इस बात का पैगाम है कि ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों की कभी हार नहीं होती। साथ ही होलिका दहन इस बात का भी संदेश है कि परेशानी कितनी ही बड़ी हो, ईश्वर में अगर आपकी आस्था हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
होलिका दहन के अगले दिन पूरा देश रंगों के साथ सराबोर हो जाता है और इस बार तो लोग दो साल की कसक निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इस बार माहौल में कोरोना वाला खौफ बिल्कुल नहीं और होली का उल्लास चारों तरफ किस तरह से दिखाई दे रहा है, रोमिता बताएगी। देखिए, इस वक्त होली को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, हम भी एक्साइटेड हैं। रंग राग के इस त्यौहार में सोर ताल की महफिल सजी कृष्ण की नगरी मथुरा में। वैसे होली के मौके पर कृष्णा की ब्रजभूमि की रंगत बिल्कुल अलग होती है और इस बार यहां पर मशहूर गायक कैलाश खेर और प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने खूब होली की तान छेड़ी है। आप भी देखिए, मिस नहीं होना चाहिए। रंग है, उमंग है, उत्साह है। बात जब मथुरा की हो तो यहाँ की होली का अंदाज ही कुछ और है। यहाँ सब कृष्णमय है। ब्रज की होली जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। कृष्ण की नगरी में ब्रजवासियों के साथ होली के रंग में रंगने कैलाश खेर भी आए। होली को अगर राधा कृष्ण ने रंग से भरा तो भगवान भोलेनाथ ने भी भस्म को गुलाल बनाकर उड़ाया। यूं कहें कि होली से भोलेनाथ का भी गहरा नाता है, तभी तो मथुरा में बम लहरी की गूंज पर सब थिरक रहे हैं। देखिए कैसे थिरक रहे हैं कैलाश खेर भोलेनाथ के रंग में रंगकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वैसे तो देश भर में इस वक्त होली का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन गोरखपुर से इस वक्त खास तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गोरखपुर में आज पहुंचे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रचंड जीत के बाद गोरखपुर में होली के मौके पर पहुंचे, इसलिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है। यहाँ पर कई कार्यक्रम जिसमें शिरकत करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंचे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। होली का दहन आज होना है, कल होली का पर्व मनाया जाएगा और उससे पहले बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच में, गोरखपुर की जनता के बीच में इस वक्त पहुंचे हैं और होली का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां इस वक्त हो चुकी है। तो देखिए, होली वाले रंग तो फिलहाल कल उड़ेंगे, लेकिन होली से पहले की होली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को, लोगों को संबोधित करते हुए बम्पर जीत के बाद यहाँ पर वो लोगों से बातचीत करते हुए, उनको एड्रेस करते हुए और यहाँ पर रंग उलाल भी खूब उड़ रहा है। नरसिंह यात्रा में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बम्पर जीत उन्होंने हासिल की है और होली हालांकि पहले ही खेल चुके हैं, हालांकि इन्होंने पटाखे भी चलाकर दिवाली सेलिब्रेट भी किया है और आज ये यहां पर मौजूद हैं। 10 मार्च तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। आज का कार्यक्रम मुख्य तौर पर होलिका दहन का कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले आप सभी गोरखपुर, चलिए सुनाते हैं क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए एक लोकप्रिय सरकार देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सब के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर आज से लगभग 8 वर्ष पहले सुरक्षा और सुशासन की जो एक नींव रखी, जो व्यापक जनविश्वास का प्रतीक बना, सबका साथ सबके विकास की उन भावनाओं को अंगीकार करते हुए 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के
प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए जिस ईमानदारी के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। चुनाव का यह परिणाम मात्र एक राजनीतिक परिणाम नहीं है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए, यहां की आस्था को सम्मान दिलाने के लिए, माताओं और बहनों के साथ साथ बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, व्यापारियों के सुरक्षा के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए जो कार्य 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हुआ, आज उसका परिणाम हम सबके सामने प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रदेशवासियों ने प्रशस्त किया है। मैं गोरखपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि गोरखपुर वासियों ने 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी को दी है और पहली बार आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई है और इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अभिनंदन। और भाइयों बहनों, यही नहीं, गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए हैं। इसके लिए गोरखपुर मंडल के सभी नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये चुनाव इस बात को बताता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत का सबसे बड़ा प्रमाण है उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2022 का ये चुनाव। जाहिर सी बात है, इस बार की होली योगी आदित्यनाथ के लिए काफी खास रहने वाली है प्रचंड जीत के बाद। वैसे आपको बता दें कि जब बात हम होली की कर रहे हैं तो भला होली के बनारसिया अंदाज को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। पूरे बनारस पर इस वक्त होली का खुमार छड़ा हुआ है। बनारस ऐसा शहर है जहां पर हर पर्व बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित होता है। अदिति, और होली का म्यूजिकल रंग इन दिनों काशी के घाटों पर भी खूब दिखाई दे रहा है। सुरताल के साथ होली का अलग ही रंग यहाँ पर जमा हुआ है। लोक कलाकार घाट पर बैठकर फाग गा रहे हैं और होली का रंग जमा रहे हैं, तो आप भी आनंद लीजिए होली के बनारसी रंग का। हरा हरा महादेव, महाश्मशान में भोले बाबा, अरे और भोले की टोली रे, अरे चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला होली रे। अरे ना ही रंग गुलाल उड़त है, आसमान में रंग गुलाल नहीं उड़ता है, क्या उड़ता है? अरे ना ही रंग गुलाल उड़त है, ना ही साथ रंगोली रे, ना ही साथ रंगोली रे, ना ही साथ रंगोली। शिव जी ना खावे मेवा मिश्री, खावे भांग की गोली रे, खावे भांग की गोली रे, खावे भांग की गोली। तो कालों के भी महाकाल है, भस्म की होली रे, चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला होली रे, है चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंगल पेटे खेले भोला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कू के कोयल फुलवारी में अरे भवरा गुनगुन गाए। कहना है कि देखा सरसो फुलाइल बा आम बउराइल बा फागुन महीना देखो होली आई रे सरसो फुलाइल बा आम बउराइल बा फागुन महीना देखो होली आई रे होली आई होली आई होली आई मनवा सबकर मस्ती आइल बा रंग में रंगाइल बा फागुन महीना देखो होली आई मनवा सबकर मस्ती आइल बा रंग में रंगाइल बा फागुन महीना देखो होली आई रे हो होली में टोली सब निकले हैं घर से रंग अबीर गुलाल रस बरस सारा रारा जोगीरा सारा रारा सारा रारा जोगीरा सारा रारा होली में टोली सब निकले हैं घर से रंग अबीर गुलाल रस बरस कोई है गीला कोई है नीला कोई बड़ा रंगीला बुढ़वा पे जवानी आइल बा रंग में रंग आइल बा फागुन महीना देखो होली आई रे 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 हो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा बा भाई बा बाखलारी बा भाई बा नाही हरियर लाल नाही हरियर लाल भगवा रंग कबाटे बाहर। और चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे देश भर से आए हुए होली के तमाम रंग, नेताओं की होली, जवानों की होली। ब्रेक पर जाने से पहले छोड़ जाते हैं वृंदावन की अद्भुत होली के रंगों के साथ। देखिए ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। और अब सीधा लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया जा रहा है। आज यहां पर होलिका दहन का जो त्यौहार है उसे मनाया जा रहा है। पांडेहाता चौक पर ये होलिका दहन होगा। और सीधा अभिषेक मिश्रा से जानेंगे कि वहां पर क्या कार्यक्रम चल रहा है। अभिषेक जी, हमें बताइए कि योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है, लेकिन और कौन कौन से कार्यक्रम जो है जो होने वाले हैं आज योगी आदित्यनाथ के सम्मान में? देखिए, बिल्कुल आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भट्ट की परंपरा चली आ रही है पिछले कई सालों से। 1944 से परंपरा शुरू हुई थी। गोरखपुर के इस इलाके में एक कहना चाहिए कि अपने गुरु के तौर पर मुख्यमंत्री यहां पर आते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये रथ है जिसके ऊपर अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री सवार होंगे, होलिका माता का वो पूजन करेंगे और इसके बाद में यहीं से फूलों की बारिश होगी और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अभिवादन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार दूसरी बार काबिज होने वाले हैं मुख्यमंत्री उस गद्दी पर। और गोरखपुर का भी दारोमदार इससे ज्यादा है क्योंकि यहाँ की 9 सीटों की को पूरा करके कहीं ना कहीं जनता ने उनका समर्थन किया और गोरखपुर के मंडल की 28 में से 27 सीटें बीजेपी को मिली है, तो मौका भी अच्छा है। और चूंकि होली का समय है, परंपरागत तौर पर मुख्यमंत्री यहाँ लगातार आ रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम भी वही है। होलिका दहन के इस कार्यक्रम में, इस यात्रा में, इस शोभा यात्रा में वो मौजूद रहेंगे। और इसके बाद परसों यानी कि 19 मार्च को गोरखपुर में होली होगी और उस होली में खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, जहां पर यात्रा के जरिए वो शहर के इलाकों में जनता के साथ रंग खेलेंगे। जी
बिल्कुल अभिषेक, और वाकई तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, और इस बार की होली जो है न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि एक तरह से कहा जाए क्योंकि सूबा सबसे बड़ा सूबा है जिसे जीता गया है, तो पूरे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऐसे में ये बताइए, अभी हम योगी आदित्यनाथ को सुन भी रहे थे, वहां पर उनका सम्मान किया जा रहा है और वहां के लोग जो है काफी हर्षित नजर आ रहे हैं इस मौके पर, बताएं क्या कुछ चल रहा है, तस्वीरें हो तो वो भी दिखाएं हमें। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर रंग गुलाल नहीं डालना चाहता, देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मैं हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से लोगों का हुजूम जमावड़ा यहाँ पर है, मंच पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, वहां से वो अपना संबोधन दे रहे हैं और जनता उन्हें सुनने के लिए आई है। ये उन्हें आपको छतों पर लोग दिखाई देंगे, ऊपर से वो देख रहे हैं और लगातार यहाँ पे सुरक्षा का घेरा भी बनाया गया है क्योंकि मौका है होलिका दहन के इस कार्यक्रम का। 95वां वर्ष है ये जब ये आयोजन किया जा रहा है, लगातार ये आयोजन गोरखपुर में होता रहा है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर रही है। कोरोना के कारण साल 2020 और 2021 दो वर्षीय कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार चूंकि हालात अब सामान्य हो चुके हैं और मुख्यमंत्री खुद इस परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे इस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, चूंकि ये पुरानी विरासत भी रही है, महंत अवैधनाथ के समय से ये परंपरा चली आ रही है, जब इस यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और होली के दिन जिस दिन रंग खेला जाता है उस दिन मुख्यमंत्री की मौजूदगी जनता के बीच में होती है, वो एक गुरु के तौर पर जनता के साथ होते हैं और कहीं ना कहीं इस होली के रंग में रंगते हुए तमाम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। आज भी उनका सम्मान हो रहा है क्योंकि मौका भी ऐसा है और मुख्यमंत्री आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए होली वाले रंग जो है वो अभी से दिखाई देने लगे हैं, गुलाल तो कल उड़ेगा लेकिन होली वाली मस्ती कई दिनों से पूरे देश में नजर आ रही है। होली के मौके पर पूरा देश हर्षोल्लास में डूब जाता है और कई दिन पहले से लोग इस त्यौहार के रंगों में डूब जाते हैं। क्या आम क्या खास, होली का रंग जब चढ़ता है तो बस चढ़ ही जाता है, क्यों शगुफ्ता? वैसे हम सब पर भी चढ़ा हुआ है, हम भी रंगों में रंगे हुए हैं और स्पेशली आज रोमिता जी हमारे लिए रंग लेकर आई हैं। देखिए हर कोई ये चाहता है कि इस त्यौहार को खास बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुशियां समेट सकें, खुशियां बांटी जा सकें और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ खास है इस बार होली में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। होली रंगों का त्यौहार है लेकिन रंगों के इस त्यौहार के भी कई रंग हैं। इतना बड़ा देश, इतने प्रांत, इतने लोग, तो अंदाज तो अलग होगा ना। ये तस्वीर दक्षिणी दिल्ली के एक वृद्धाश्रम की है जहां एक साथ बुजुर्गों की टोली मुस्कुरा रही है, गुनगुना रही है। यहां इनके लिए गुलाल है, गुजिया है और इनके जमाने के गीत हैं जिस पर इनके पांव थिरक रहे हैं। त्योहार आता है खुश होने और खुशियां बांटने के लिए। खुशी के पल में अगर आप उन्हें भी शामिल करते हैं जो खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, जो जिंदगी के तमाम रंगों को आजमा कर थक चुके हैं, तो त्योहार का मजा दुगना हो जाता है। इन बुजुर्गों के चेहरे पर खिली मुस्कान जीवन को दोबारा जीने की ललक जैसी है। सुकून मिलता है ना इनकी जिंदगी में थोड़ा रंग घोलकर। इमोशनल बिल्कुल होना होता है कि स्वाभाविक है, जो ये हमारे परिवार का हिस्सा है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने परिवार को इस टाइम पे मोमेंट पे याद नहीं रखते हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ अपने बुजुर्गों को हमेशा याद रखो, अपने साथ रखो और उन लोगों के साथ हमेशा प्यार बांटिए। इससे आपको दो फायदे होते हैं कि आपके बुजुर्ग कभी बूढ़े नहीं होते और आप कभी बड़े नहीं होते। तो हमें से बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, उनके साथ बैठकर थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। अरे चिता भस्म को अंग लपेटे खेले भोला होली रे, चिता भस्म को अंग लपेटे खेले भोला होली रे। ये नजारा काशी के दशाश्वमेध घाट का है। यहाँ होली महादेव के रंग में रंगी है। काशी की लोकप्रिय मसान की होली। अरे ना ही रंग गुलाल उड़त है। काशी में ये 5 दिनों का पर्व रंग भरी एकादशी से शुरू होकर होली तक चलता रहता है और होली के रंग अबीर गुलाल के साथ ही फिजाओं में होलियाना गीत भी गुलने लगता है। जीत का सहरा बांध के घूमे यूपी में है बाबा। कौन बाबा? अरे भाई बुलडोजर। ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों गंगा घाट किनारे भी देखने को मिल जाता है जहां मस्तानों की टोलियां अपने गीत संगीत के जरिए होली का रंग जमा रहे हैं। देखे साहब जानत भैया। अरे जीत का सहरा बांध के घूमे यूपी में है बाबा, भइल विकास सब जानत बाटे यूपी में काका बाबोल। हाय रे हाय हे हा।
योगी मोदी का असर होली पर भी खूब दिख रहा है। मेरठ की इस दुकान में मोदी मास्क है, मोदी टी शर्ट है और योगी की बुलडोजर पिचकारी भी, क्योंकि इनकी बड़ी डिमांड है। महात्मा बुद्ध की धरती बिहार के बोधगया में दुनिया भर से आए बौद्ध भिक्षुओं ने स्थानीय लोगों के साथ गुलाल खेलकर होली के त्योहार का आगाज किया। होली का एक रंग ये भी, यहाँ डांस है, खान पान भी है, गीत संगीत भी है, कमी है तो बस रंगों की। लेकिन आपको यहाँ रंग मिलेगा भी नहीं, क्योंकि झारखंड के जमशेदपुर का ये आदिवासी समाज रंगों से होली नहीं खेलता, यहाँ पानी से ही होली खेलने का रिवाज है। कारण इन्हीं से सुनिए। सिस्टम से इस होली को खेलते हैं, अगर रंगोली से इसीलिए होली नहीं खेलते हैं क्योंकि हम लोगों का ऊपर में अगर एक भी धूला गिर जाएगा उसको हम लोगों छठवी का नाम दिया जाता है, इसी का नियम से उसमें बड़ा दंड दिया जाता है, उसीलिए हम लोगों को परंपरा है पानी से या बोडो झांडी से या मडीदा से हम लोगों होली खेलते हैं। स्कूल में दोस्तों के साथ गुलाल खेलने का अपना ही मजा है, स्कूल के दिन सबसे बेहतरीन यादें देते हैं, है ना? मधुर ताल में गीतों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती इन महिलाओं को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई शादी का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी होली मनाने का एक अंदाज है, अकोला के बंजारा समुदाय की होली। पहाड़ियों में बसे बंजारा समुदाय की अपनी विशिष्ट परंपरा, लोक संस्कृति और विशिष्टता आज भी बरकरार है। हमारे जात में बहुत होली का त्यौहार बहुत मनाता है, बहुत बड़ा है होली का त्यौहार। भगवान हम काड़ी लकड़ी लेते हैं, हाथ में काड़ी लेते हैं और ऐसे मारते हैं देर को और नंदोई को और भेनोई को, इसको ऐसे मारते हैं बहुत जोर से, नहीं फगवा देंगे तो उसका वो फटका गिटका चक हाथ में ले लेते, खोस लेते हैं। होली मनाने का अंदाज भले ही अलग अलग हो, मकसद एक ही है, खुशियाँ बांटना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, मौका होली का है, लिहाजा हारने वाली पार्टी के नेता भी खुश हैं और जीतने वाली पार्टी के नेता तो खुश हैं ही, सब अपनी अपनी झोली में होली की खुशियों को समेट लेना चाहते हैं। बिल्कुल, वैसे तो नेता हर दिन काफी मशरूफ रहते हैं, लेकिन जब पूरे देश में ही होली का रंग छाया हो तो नेता भी इससे अछूते कैसे रह सकते हैं, लिहाजा उनका भी अंदाज थोड़ा बदला हुआ सा है, वो भी लोगों के साथ होली पर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और होली को खास बना रहे हैं। होली है सियासत तारों की, नेता लोग नाचते गाते कम ही नजर आते हैं, लेकिन मौका होली का हो तो पांव कैसे रुके। मथुरा वृंदावन में चल रहे होली महोत्सव के एक निजी कार्यक्रम में कार्यवाहक ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कवि कुमार विश्वास के साथ जमकर ठुमके लगाए। ओके, रेडी एवरीवन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होली को खास बनाने के लिए स्कूली बच्चों से मिली, उन्हें प्यार किया, आशीर्वाद दिया, उनके साथ फोटो खिंचवाए। वैसे तो जिस दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, बीजेपी में जश्न उसी दिन से जारी है, लेकिन होली के बहाने एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं। झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह मनाया, यहाँ बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद और रामगढ़ के विधायक ममता देवी जहाँ एक तरफ रंग अबीर से सराबोर दिखी तो वहीं दोनों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। आज यहाँ ना कोई पक्ष है ना विपक्ष, ना कोई मुद्दा है ना कोई समस्या, ना कोई भेदभाव और ना ही गले शिकवे। होली के चटख रंग में घुलकर सियासत का रंग आज एक सार हो गया। तस्वीरें झारखंड विधानसभा परिसर की हैं जहां होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। रंगों के साथ
फाग का राग रंग नाच गान का सिलसिला शुरू हो गया। ताल से ताल मिले, झाल मंजीरा बजे, हेमंत सोरेन भी जमकर फिर, पूरा माहौल होलीमय हो गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी होली के रंग में रंगे नजर आए। करीब 2 किलोमीटर की लंबी यात्रा, पत्नी साधना सिंह के साथ शिवराज सिंह चौहान चांदला पहुंचे। चांदला में शिवराज सिंह आदिवासी लोक पर्व भगोरिया में शामिल हुए। इस दौरान आम और खास का फर्क मिट गया। ढोल और मांदल की थाप पर सीएम चौहान और पत्नी साधना सिंह पारंपरिक परिधान में जमकर थिर गए। शिवराज सिंह कई मौकों पर जनता के बीच गाते बजाते नजर आते हैं और जब मौका होली का हो तो फिर जश्न तो बनता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय में चर्चा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात होगी इको फ्रेंडली होली की, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए बात करते हैं इको फ्रेंडली होली की। मौका होली का है, परंपराओं का निर्वाह करना है, खुद के साथ पर्यावरण का ख्याल भी रखना है ताकि त्यौहार भी मन जाए और हम सब सुरक्षित रहें और पर्यावरण का बचाव भी हो जाए। क्यों श्वेता? बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए इको फ्रेंडली होली का चलन बढ़ने लगा है। और आजकल होलिका दहन के लिए गोकास्ट मौजूद है। गोकास्ट मतलब कि गाय के गोबर से बनी लकड़ी। और होली खेलने के लिए हर्बल गुलाल भी बाजार में उपलब्ध है। होली के रंगों में सराबोर होने के लिए पूरा देश तैयार हो गया है। कल रंग वाली होली खेली जाएगी। खूब अबीर गुलाल और रंग उड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज होलिका दहन का दिन है। धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ त्योहार बने, खुशियों के साथ लोग भी खिलखिलाए और पर्यावरण की रक्षा भी हो, इसलिए होली में इको फ्रेंडली रंग भी घुल रहे हैं। बिना रंग गुलाल के होली मनाई ही नहीं जा सकती। अगर रंग ऐसे जो रंग भी जमाए और आपको और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए, तो है ना सोने पर सुहागा। इसी तरह होली का दहन में पेड़ों को काटने से बचाया जा सके तो बात ही क्या है। और इसके लिए तैयार है गोकास्ट, यानी गाय के गोबर से तैयार हुई स्टिक्स, जिनका इस्तेमाल होली का दहन में लकड़ी की जगह किया जा सकता है। ये गोकास्ट विकास भारतीय भू संस्थान ने दिल्ली के अलीपुर में मखमेलपुर गाँव में तैयार किया है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए और साथ ही साथ पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर गोकास्ट तैयार किया जा रहा है, जो कि गाय के गोबर से तैयार हुई लकड़ियां होती है। दिल्ली के नजदीक अलीपुर के मखमेलपुर गांव में विकास भारतीय भू संस्था की तरफ से गोकास्ट तैयार किया जा रहा है ताकि पेड़ों की कटाई रुके और साथ ही साथ प्रदूषण पर नियंत्रण लगे। होलिका दहन में लकड़ी के इस्तेमाल की वजह से पेड़ों की कटाई होती है। गोकास्ट का इस्तेमाल होने से पेड़ों को बचाया जा सकता है। इससे त्योहार की रंगत और परंपरा भी बनी रहती है और पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहता है। दिल्ली NCR में गोकास्ट की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पिछले साल 3 टन का ऑर्डर मिला था, तो इस बार होलिका दहन से पहले ही 7 टन की सप्लाई हो चुकी है। गोकास्ट मतलब गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी, कास्ट मतलब लकड़ी और गो मतलब गाय, तो गाय के गोबर से जो बनी लकड़ी होती है उसको गोकास्ट कहा जाता है। गोकास्ट को बनाते हुए करीब करीब 2 साल हो गए हैं हमें, और होलिका दहन के लिए गोकास्ट का अभी प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष भी करीब 3 टन गोकास्ट गया था और अब की बार 7 टन ऑलरेडी जा चुका है। पूरे दिल्ली NCR से डिमांड आ रही है गोकास्ट की। संस्थान का कहना है कि 300 किलो लकड़ी के लिए 2 पेड़ों की कटाई हो जाती है। ऐसे में होलिका दहन के लिए ढेरों पेड़ों की कटाई को गोकास्ट के इस्तेमाल से रोका जा सकता है।
गोकास्ट की कीमत 6 रुपए प्रति किलो है। गोकास्ट के अलावा हर्बल रंग और गुलाल भी होली के लिए तैयार है। पैकेट में जिन अलग अलग रंग के गुलाल को आप देख रहे हैं, इसे गोमय गुलाल कहते हैं। 100 ग्राम के एक पैकेट की कीमत महज 40 रुपए है। गुलाल हम पिछले वर्ष से बना रहे हैं, जो हम कामधेनु होली के अंतर्गत बनाना शुरू किया था। पिछले साल करीब करीब 60 से 70 किलो डिमांड आई थी और अब की बार ये डबल हो चुकी है। और अभी आसपास के जो लोकेशन है दिल्ली NCR के, उसके अंदर ये जा रहा है। गोमय गुलाल को गाय के गोबर, अरारोट और अन्य सामग्री के साथ मिलाकर बनाया जाता है। हरे रंग के गुलाल के लिए पालक के रस का इस्तेमाल किया जाता है। पीले रंग के लिए हल्दी और लाल रंग के लिए चुकंदर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये कि आप जमकर होली खेलिए बिना किसी साइड इफेक्ट के डर से। पीले रंग में हम हल्दी को यूज करते हैं, हल्दी का रस निकाल कर उसको पीला रंग बनाते हैं, और लाल रंग में करते हैं चुकंदर का रस काट के लाल कलर बनाते हैं। होली खुशियों का त्यौहार है, रंग और उल्लास का त्यौहार है। अगर इसमें पर्यावरण का रंग भी खुल जाए तो कहना ही क्या। तो इस बार ये हर्बल गुलाल यानी कि गोमय गुलाल लोगों के चेहरे पर 4 चांद लगा रहा है। तो आप भी मनाइए इको फ्रेंडली होली। कैमरा पर्सन रितेश के साथ रोमिता तिवारी, दिल्ली। होली का मौका है, लोग रंगों में सराबोर हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो रंग आपको और आपके अपनों को रंगीन बनाते हैं वो आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, इसमें जो केमिकल होता है वो परेशानी बढ़ा सकता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप केमिकल वाले रंगों से दूर रहें, नेचुरल कलर से होली खेलें, तभी तो खुशियों के रंग और चटकीले होंगे और खुशियों की सौगात आपके पास पहुँचेगी। तो देखिए कि किस तरीके से आपको रहना है सावधान। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली मतलब रंगों का ऐसा मेला जब खुशियों का रेला हर बांध तोड़ देता है। फिर तो वो मौज मस्ती होती है और वो हंगामा होता है कि पूछिए मत। होली का तो मौका ही ऐसा है कि रंग भी बरसते हैं और गुलाल भी बरसते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सावधानी में ही सुरक्षा है। इसलिए होली खेलिए जरूर, लेकिन सावधान रहकर, क्योंकि जो रंग जीवन में बाहर लगाते हैं वो परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है रंगों में केमिकल्स का इस्तेमाल। रंगों में खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाने लगा है। ये केमिकल वाले रंग स्किन को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं। रंगों में मिले कुछ केमिकल तो आंखों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा होली दिल खोल कर मनाइए, खुशियाँ भी खूब बांटिए, डांस धमाल भी कीजिए, लेकिन रंग खेलते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि सावधानी है तो सुरक्षा है। और इस सिलसिले में सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। रंगों में अक्सर लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट और माइका का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के केमिकल से बने रंग आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह के रंगों से मुहासे और एक्जिमा जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। हालांकि होली खेलिए, लेकिन आपको किन रंगों से सराबोर किया जा रहा है इसका ख्याल जरूर रखिए। होली खेलते वक्त स्किन के साथ ही आंखों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। केमिकल वाले रंग आंखों को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये रंग आंखों में लगते हैं तो जलन और एलर्जी हो सकती है। केमिकल वाले रंग आंखों में लगने से कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है। होली पर आपको किन बातों से बचना है ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपको इससे भी जरूरी बात बताते हैं, वो बात है सेफ होली मनाने का तरीका। बेहतर होगा कि होली पर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें। होली खेलने निकलें तो पूरी बांह के कपड़े पहनें। शरीर और बालों में नारियल तेल लगाने से स्किन काफी हद तक सेफ रहेगी। बहुत गहरे रंगों के इस्तेमाल से बचने की कोशिश करें। कोशिश करें कि कोई भी रंग मुंह, नाक या आंख में ना जाए। होली खेलते समय कान में पानी न जाने दें।
केमिकल वाला रंग आपके कान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बच्चे रंग खेल रहे हों तो उन पर नजर जरूर रखें। होली खुशियों का त्योहार है, इसलिए नशे से बचें। होली खेलने के बाद अगर स्किन में जलन हो, आंखों में धुंधलापन या खुजली हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ये ऐसी बातें हैं जिनकी अनदेखी भारी पड़ सकती है, लेकिन जरा सा सावधान रहें तो आपकी होली भी होगी हैप्पी होली। बेला चमेली का सेज बिछाया सोए गोरी का, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोए गोरी का याद बलम तर से रंग पर से। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे बाग बहादुर की कहानी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जीएन। और चलिए रुक कर लेते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व का, जहां सैलानियों को एक दिन में 3 बाघों के दीदार हुए। बीते दिनों पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की तादाद में इजाफा हुआ है। इस वक्त यहां तकरीबन 75 बाघ मौजूद हैं। अदिति, हाँ, और बाघों के दीदार से सैलानी तो खुश है ही, साथ ही पार्क प्रशासन भी उत्साहित है। आने वाले वक्त में इन्हें सैलानियों की तादाद में और इजाफा होने की उम्मीद है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ बहादुर सैर पर निकला है, वो भी पूरी फैमिली के साथ। टाइगर के दीदार की आस लिए जंगल सफारी पर निकले सैलानियों के लिए इससे बेहतर सौगात और कुछ हो ही नहीं सकती। ये रोबीला अंदाज देखिए, जंगल में बाघ के ठाट देखिए। साल 2009 में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद से यहाँ बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि आज बाघों के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व दुनिया में खास पहचान रखता है। दूर दूर से सैलानी यहाँ बाघों के दीदार के लिए आते हैं। वाकई एक हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा खुशी का पल है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में टूरिस्टों को एक दिन में, एक समय में 3 बाघ अलग अलग जगहों पर दिखे हैं। सभी टूरिस्ट आज जो पार्क के अंदर सुबह गए थे, सभी बहुत बेहद खुश थे क्योंकि 3 बाघों के दीदार आज पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर हुए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में इस वक्त 70 से 75 बाघ मौजूद हैं। फिलहाल एक साल के ऊपर के 50 से 60 बाघ बाघिन यहाँ मौजूद हैं, जबकि शावकों की संख्या 20 से 25 के बीच मानी जा रही है। अक्सर जंगल के किसी न किसी हिस्से में इन्हें घूमते फिरते या आराम फरमाते देखा जा सकता है। गुड न्यूज ये है कि यहाँ आने वाले सैलानियों को आसानी से इनके दीदार का मौका मिल रहा है, इसलिए दिनों दिन सैलानियों की तादाद भी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक गांव की बर्थडे पार्टी में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, राजकोट का कृष्णा नगर गांव 48 साल का हो गया है, लिहाजा जश्न तो बनता ही है। रोमिता, बिल्कुल, पूरे गांव के लोग पार्टी कर रहे हैं, मस्ती से झूम रहे हैं, बकायदा केक काटा जा रहा है, महिलाएं गीत गा रही हैं, नाच रही हैं, झूम रही हैं। कुदरत से अपने गाँव से लगाव की भला इससे बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है। ये जश्न निराला है, ये जन्मदिवस समारोह बेहद खास है क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा, यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है एक गांव का। ये राजकोट का कृष्णनगर गांव है, यहाँ पूरा का पूरा गांव जुटा है। उल्लास उमंग से भरपूर माहौल में कृष्णनगर गांव का 48वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम सब खुद से, अपने परिवार से, अपने समाज से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने गांव से, अपनी धरती से, पर्यावरण से लगाव की ये अद्भुत बांधगी है। सभी लोगों को हमें पेड़ उगाने चाहिए, सभी लोगों को एक एक पेड़ का जतन करना ही चाहिए क्योंकि हमें पेड़ से कुछ कितना मिलता है ये हम भी जानते हैं। पेड़ से फल फूल और धूप छाया मिलती है और हमें इसमें से ऑक्सीजन मिलता है।
इन लोगों का उत्साह देखें। महिलाएं झूम रही हैं, केक काटा जा रहा है, कहीं आइसक्रीम का लुत्फ उठाया जा रहा है तो कहीं बच्चों को यूं खुशियां बांटी जा रही हैं। मौका जो खास है, अपने गांव की स्थापना की खुशी कृष्णानगर के गांव के लोग इस अंदाज में बयां कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें गर्व है अपने गांव पर, अपनी माटी पर। जैसे वृक्ष का संबंध जड़ों से होता है, वैसे ही इनका रिश्ता अपने गाँव से है। लिहाजा इन्होंने अपने गाँव का जन्मदिन मनाने की अनूठी परंपरा की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की। सोशल मीडिया में आपके फेवरेट स्टार्स क्या कुछ कर रहे हैं वो देखिए। बेबी तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? वो सब याद मत दिलाओ यार। हंसते रहकर हंसते हुए बड़ा अच्छा लगता है तुम। वो तो गया यार, कितनी बार बोला है तेरा मेरा मत किया, अगर जो भी हमारा है। अब क्या ढूंढ रही है अलमारी में? हमारा पेटी को ढूंढ रही हूँ, आ जाओ। एक्सक्यूज मी, पहले तो दूर होके बात करो। अरे लिसन ना, और मैं ऐसे वैसे किसी से भी बात नहीं करती। आई लाइक यू सो मच। शट अप, मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूँ। शट अप, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओ प्लीज, आईफोन 11 और 12? 13 प्रो। जोर का झटका। और चलिए अब आपसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मेरी तरफ से भी आप सभी को होली की बहुत मंगल कामनाएं। खूब रंग खेलिए, लेकिन ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे इस रंग में भंग पड़ जाए। और होली के रंगों का त्योहार है, रंग से परहेज नहीं कीजिए, लेकिन ऐसे रंगों से भी बचिए जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और कैसे रंगों से खेलना है वैसे हम आपको बता चुके हैं रोमिता की खास रिपोर्ट में। तो होली पर खूब गुजिया भी खाइए, परिवार पड़ोसियों और दोस्तों के साथ ढेर सारी खुशियां आप बांटिए, और होली से जुड़ी सावधानियां भी बरतिए। फिलहाल यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमें दीजिए इजाजत। और देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ GNT यानी कि गुड न्यूज़ टुडे।